Thank you, Speaker Saab, for giving me this floor and the opportunity to express my thoughts. I would like to begin by thanking my beloved father for his unwavering support and for always encouraging me to be a better version of myself. I would then like to express my heartfelt gratitude to our leadership, President Asif Ali Zardari, Chairman Bilawal Bhutto Zardari, and Adi Faryad Tarpur. स्पीकर साहब, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इंतहाई ज़रखेज और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तो है, लेकिन मुझे ये कहते हुए सद अफसोस होता है कि बलूचिस्तान इज़ एंड वॉज द मोस्ट निगलेक्टेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। दहशतगर्दी दिन ब दिन बलूचिस्तान में बढ़ती ही जा रही है। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें। अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस बलूचिस्तान तो बहुत दूर की बात है। हमें अपने सूबे में स्टेबिलिटी भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। स्पीकर साहब, 1947 से लेके अब तक बलूचिस्तान की माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने कंधों पे सिर्फ जवानों की लाशें ही उठाई हैं। 16 अप्रैल 2013 में ऐसे ही एक दहशतगर्दी के वाकये में मेरे भाई, मेरे चाचा और मेरे चाचा के बेटे को शहीद कर दिया गया। एक ही घर से 3 लाशें उठाई हैं हमने। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा कसूर क्या था, उनका कसूर क्या था? कसूर यही था कि मेरे वालिद ने एक खुशहाल और बहबूदी से तरक्की करते हुए बलूचिस्तान का ख्वाब देखा था, या कसूर ये था कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? स्पीकर साहब, मैं खुद एक शहीद की बहन हूँ, तो मैं उनका दुख, उनकी तकलीफ बखूब समझती हूँ। आप हमें ये बताएं कि हमारे दुख का खामियाजा कौन भरेगा, हमारी तकलीफें कौन दूर करेगा? हमें और कितनी लाशें उठानी पड़ेंगी अपने कंधों पे जब तक हमारे हालात बेहतर हों? स्पीकर साहब, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर डेप्रिवेशन एंड बैकवर्डनेस इन बलूचिस्तान इज इलिटरेसी। द रूट कॉज लाइज इन द पेट्रियार्कल एंड पैरोकियल सिस्टम्स ऑफ अ सोसाइटी। डिस्पाइट इंक्रीज्ड एलोकेशन ऑफ बजट फॉर एजुकेशन, बलूचिस्तान कंटिन्यूज टू स्ट्रगल विद एन इनएडिक्वेट एजुकेशन एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट, स्पेशली फीमेल एजुकेशन। Speaker Saab, alarmingly, the statistics of a survey conducted in 2019 showed that approximately 70% of young girls have dropped out of schools, resulting in a female literacy rate of only 25%. 25%, Speaker Saab, aap bataein ki how will our nation move forward without the women of our country? Is baat pe main Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Saab ko quote karna chahungi. He once said, "No nation can ever be worthy of its existence that cannot take its women along with the men. No struggle can ever succeed without women participating side by side with the men." Yes. These words resonate deeply with me, for they encapsulate the essence of my agenda as my representative for my people. I firmly believe that the progress and prosperity of our nation depends on full and equal representation and participation of women in every sphere of life. Yes. From politics to economics, education to healthcare, women must be given the opportunities to contribute their talents and abilities for the betterment of our society. I would also like to encourage and use this platform to raise my voice for young girls in Balochistan to promote and pursue education, as it is everyone's basic right. Speaker Saab, people here sitting and in the country would argue that the social structure, the tribal structure in Balochistan, is what is the reason for the lack of education for females. बट मैं यहाँ वो क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मैं खुद एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ, माई फादर इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट फॉर फीमेल एजुकेशन।
स्पीकर साहब, मैं अपने बलूचिस्तान की उन सब वालिदैन से मुखातिब हूँ जो कि कहती हैं, आई वुड लाइक टू स्पीक इन माई लैंग्वेज हियर, जो कहती है मसिन तिख्वानिफ पबो मसिन खराब मरेरा, मसिन तिख्वानिफ पबो माशरा इजाज़त तिफक, मुआशरा इजाज़त नहीं देता बेटियों को पढ़ाने की, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तो उनके पर पुर्जे लग जाएंगे। मैं कहती हूँ बेटियों को पढ़ाएं, उनको पर लगने दे, फिर उनको देखें उनकी उड़ान कितनी कामयाबी देती है हमें, फिर उनकी उड़ान हमारी कौम को किस कामयाबी तक लेके जाती है। बलूचिस्तान की औरतें कमज़ोर नहीं हैं स्पीकर साहब, हम बहुत एक बैकवर्ड माशरे से बिलोंग करते हैं, बट जहां हमें अपॉर्चुनिटीज़, जहां हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्व्स, वी हैव एक्सेल्ड एंड प्रूव दैट वी कैन मेक अ पॉइंट। वक्त की पाबंदी की वजह से बहुत कुछ बोल नहीं पाऊंगी स्पीकर साहब, बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज़ लैक ऑफ बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। बलूचिस्तान के देहातों में तो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी की रसाई का सोच ही नहीं सकता कोई। मैं खुजदार की बात करूंगी जो एक बड़ा शहर है, वहाँ पे हमारे पास ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई ट्रॉमा सेंटर है जहाँ हम अपने मरीजों को फॉर बेसिक हेल्थ केयर इलाज के लिए लेके जा सकें। स्पीकर साहब, हमारे मरीजों को घंटों घंटों सफ़र करना पड़ता है कराची तक, घंटों घंटों सफ़र करना पड़ता है कराची तक ताकि वो वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकें। जनाब स्पीकर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल इन बलूचिस्तान, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि नन लावारिस अफन, नन भी पाकिस्तान ना हमोखस हिस्सा उन हमोखस के दाड़े तूलों का कुल। बलूचिस्तान के बंदों से ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लावारिस नहीं हैं, हम भी पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि यहाँ पे बैठे मेरे बाकी सारे दोस्त। बलूचिस्तान डिजर्व्स बेटर। थैंक यू स्पीकर साहब। शुक्रिया।